देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ आपने थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, भाषा लिखनी है। कैसे वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसमें बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूँ। बोला है कि अगर 6 की घात n आपको दे रखा है और बोला है कि अगर n का मान हम कोई प्राकृत संख्या रखते हैं, तो क्या जब हम 6 के जैसे मान लो 6 की घात हमने 1 रखा, तो ये हो गया 6, 6 की घात 2, तो 6 संख हो जाएगा 36। यानी इस इकाई के अंक पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का कहना है। तो देखो, आप 6 की घात 3 रख लो, कितना हो जाएगा? 36 गुना 6 करोगे, हो जाएगा 6 संख 36 का 6, हासिल लगा कितना? 3। फिर हो जाएगा आपका कितना? 3 3 9 और 10, सॉरी गलत हो रहा है, 36 गुना आपने करना है 6, 36 गुना 6, 6 संख 36 का 6 हासिल लगा 6, हासिल लगा सॉरी 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 3 18 और कितना आ जाएगा? 21, 216। यहाँ पे भी देखोगे जब आपने n का मान कितना रखा, 1, n का मान 2 रखा है, n का मान 3 रखा, कितना आ रहा है? इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो चीज़ पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पूछा है कि n का मान अगर हम कोई संख्या रखते हैं और इकाई का अंक कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो क्या ऐसी कोई अंक या प्राकृत संख्या पॉसिबल है कि हम n का मान रखें और क्या आ जाए आपका? 6 की घात n रखने पर, n का मान रखने पर कितना आ जाए आपका? 0 पर समाप्त हो। यानी 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है? जो ये इकाई का अंक आ रहा है इधर, 0 आ जाए। तो ये हमको, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कोई भी संख्या का इकाई का अंक या कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, वो आपको अगर समझ में आएगा तो आप इजली इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में आते हैं, ठीक है, 2 और 5 के रूप में आते हैं, तभी आपका आंसर क्या आ जाएगा? आएगा 0 के रूप में आएगा। देखो, 5 दूनी 10, अगर आप यहाँ लिख दो 2 गुणा 5 गुणा 3, यानी 2 और 5 होना ज़रूरी है अगर आपको क्या लाना है? 0 लाना है। तो देखो, 2 5 10, अगर मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, देखो कितना आ जाएगा? 2 5 10, 10 3 30, ये आपका देखो 0 पर ख़त्म हो रही है। तो हम इसमें सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी, ठीक है, कब होगी? जब अभाज्य गुणनखंड क्या हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपने एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? कोई भी संख्या, इससे पहले आपने क्या कर लेना है, ये वाली लाइन आप लास्ट में लिखो, उससे पहले आप थोड़ा सा इसको दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे आपने लेना है 6 पावर n, उसके बाद n बराबर रखो 1, तो हो जाएगा 6 की घात 1 बराबर 6, फिर n बराबर आपने n बराबर लिखना है आपने कितना? 2, तो हो जाएगा 6 की घात 2 यानी 36। ठीक है, उसके बाद फिर n का मान आपने रखना है कितना? 3, तो ये हो जाएगा कितना? 6 की घात 3 रखने पर 216। उसके बाद आपने ये चीज़ लिख देनी है, आपने कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 भी हो। ठीक है, मतलब कोई मान लो 3 भी आ रहा 4 भी आ रहा, तो उसके साथ साथ क्या हो? 2 और 5 भी हो। ठीक है, 2 और 5 होगा तभी उस संख्या, वो जो संख्या होगी किस पर ख़त्म हो जाएगी? 0 पर ख़त्म होगी। एक तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखोगे, जब आप 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3 आएगा। ठीक है, उसकी घात n, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n। यहाँ पर 2 तो है, बट आपको क्या नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है ना? तो 0 होने के लिए आपको क्या चाहिए? 5 भी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि 6 की घात n। अब ये चीज़ लिखने के बाद आप यहाँ अलग से लिखोगे, ठीक है, यानी इसके बाद आपने क्या लिखना है? 6 की घात n बराबर लिखोगे 2 की घात n गुणा 3 की घात n लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, 6 की घात n में क्या नहीं है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन सा नहीं है? 5 नहीं है, नहीं है, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर
समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। बीच में ज़रूर आप लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखा है छः की घात एन, और बोला है कि क्या ये अगर हम इसमें प्राकृत जो एन का मान है उसमें अगर हम प्राकृतिक संख्या रखें यानी 1, 2, 3 रखें तो क्या जो ये संख्या खत्म हो रही है जो इसमें इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हमने मतलब 1, 2 मान निकाल करके देखे, 0 नहीं मिला। फिर हमने समझाने के लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए उन्होंने लिख दिया कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, 5 के रूप में हो, 5 के रूप में हो। ठीक है, उसके बाद जब हमने 6 की घात n के हमने फैक्टर किया, भाज्य गुणनखंड निकाले, देखा हमें क्या मिला, 2 और 3 मिला। ठीक है, तो अभी हमने उससे ऊपर पढ़ा कि 2 और 5 के रूप में भी होना चाहिए, 3 है कोई बात नहीं चलेगा, बट क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो हमने लास्ट में जो लिख दिया कि हमने 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आता, 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन इतना ही था। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।